हाय दोस्तों, नमस्कार। हाइपर टेक्नो यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त पिंटू बुखरा जी। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले सीरीज़ में बता रहा था आप लोगों को कि TWRP कस्टम रिकवरी कैसे किया जाता है, तो मैं पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे TWRP फ्लैश फाइल जो है कैसे डाउनलोड किया जाता है। तो आज मैं आपको फ्लैशिंग करना सिखाऊंगा, उसको उस फ्लैश फाइल को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना बताऊंगा। तो कैसे किया जाएगा मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों, मैं आपको उस वीडियो में दो तरीके बताया था डाउनलोड करने की, ठीक है दोस्तों। तो आज मैं फिर एक तरीका बताऊँगा, प्लस उसको फ्लैश कैसे किया जाता है वो आपको बताऊँगा दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों, हमारा एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना होगा प्ले स्टोर से। तो देख लीजिए एप्लीकेशन का नाम क्या है, आपको तो साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, XDA। तो आप प्ले स्टोर में सर्च कर लीजिए, आसानी से आपको मिल जाएगा XDA सर्च करने से। तो उसको ओपन कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस मिलेगा, कोई एक्सेप्ट अलाउ करने के लिए बोले तो आप कर लीजिए। उसके बाद यहाँ लेफ्ट साइड में जो थ्री लाइंस दिए हैं इसमें क्लिक करना है। उसके बाद माय डिवाइस में चले जाना है। माय डिवाइस में जाने के बाद वो इंतज़ार कर लीजिए। तो ये हमारा आ गया मॉडल नंबर करके, ठीक है दोस्तों। तो माइक्रोमैक्स A120 है दोस्तों। तो हमारा यहाँ जो है रोम जो है सारे के सारे रोम्स दिया गया है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर रोम को एक रोम सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम पहले वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं। पहले वाले को सिलेक्ट करने के बाद सॉरी, और एक बार कोशिश करते हैं दोस्तों। हाँ, अभी हो गया है। तो आने के बाद यहाँ पर जो लिंक दिया गया है इसमें आप क्लिक कर लीजिए और ये आपका वेबसाइट जो है खुल जाएगा। और आप वहाँ से अपने यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और इसमें कैसे डाउनलोड किया जाएगा इसका ट्यूटोरियल भी पूरा दिया गया है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको फिर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना होगा जो कि प्ले स्टोर में आपको अवेलेबल है। तो इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो नाम तो आप देख ही रहा होगा, फ्लैशिफाई। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। तो मैं इसके लिए भी दूसरा कोई एप्लीकेशन भी आपको बताया था, शायद उसका एप्लीकेशन का नाम था ये क्या नाम था ओ रेसर नाम का कोई एप्लीकेशन था, ठीक है। तो दोस्तों ये पहले तो हमको रूट करने के लिए बोलेगा, तो ये प्रोसेस करने से पहले आपको रूट कर लेना है। तो दोस्तों अगर आपको रूट करना नहीं आता कैसे किया जाता है तो आप आसानी से देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, तो उनको देख के अपना फ़ोन जो है रूट कर सकते हैं, तो ठीक है। तो अब हमें रिकवरी इमेज पे क्लिक करना होता है, ठीक है। उसके बाद TWRP हमें सिलेक्ट कर लेना होता है। तो चलिए ढूंढ लेते हैं अपने फ़ोन में कहाँ पर है वो TWRP फाइल। तो ये हमारा कुछ प्रोसेस लेता है, ये प्रोसेस नहीं है, थोड़ा टाइम लेता है ये ढूंढने के लिए। तो चलिए हम इंतज़ार कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स जो है आपको मिलती रहे। तो दोस्तों ये कुछ टाइम ले रहा है तो हम वीडियो को थोड़ा बंद कर देते हैं। ये बहुत टाइम ले रहा है दोस्तों, तो हम कुछ दूसरा एप्लीकेशन जो है हमारा दूसरा एप्लीकेशन जो पड़ा है हमारे पास उसमें से हम अपना TWRP जो है फ्लैश करेंगे। तो दोस्तों ये वाला देख लीजिए, जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बताया था रेसर नाम का एप्लीकेशन, इसको भी आप आसानी से ये भी आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर में। तो इसको भी ओपन कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ बहुत सारे टाइप्स के रिकवरी दिया है, CWM, TWRP, फिलिप्स स्टॉक रिकवरी, क्लॉक रिकवरी फ्रॉम स्टोरेज, बहुत ही दिया गया है। तो यहाँ पर TWRP रिकवरी में हमें क्लिक करना होगा, ठीक है दोस्तों। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें अपना, अगर आप डाउनलोड नहीं किए हैं TWRP तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप जैसे ही
ओपन करेंगे। देखिए चलिए मैं दोबारा से आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। TWRP में क्लिक करते हैं, जो पहले आपको रिकवरी दिखाएगा TWRP उसी वर्जन को आपको डाउनलोड कर लेना है, वही आपके फ़ोन के लिए कंपेटिबल होगा। तो चलिए डाउनलोड कर लेते हैं, तो मैं इंतज़ार कर लेता हूँ कुछ देर। तो देखिए दोस्तों ये हमारा डाउनलोड हो रहा है, ठीक है, तो थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए ये हमारा होने वाला है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया और ये ऑटोमेटिक फ्लैश कर देगा। अगर आपको ऑटोमेटिक फ्लैशिंग नहीं करेगा तो यहाँ पर नीचे जो ब्लू लाइन दिया गया है इसमें क्लिक करके आप अपने फ़ोन को फ्लैश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा कुछ प्रॉब्लम आ गया तो आपके में नहीं आएगा, आप यहाँ पर फ्लैश कर दें, आसानी से ऐसा फ्लैश हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, फ्लैशिंग होने के बाद आप अपने फ़ोन को रिस्टार्ट कर दीजिए, वो आपको फोर्स रिस्टार्ट करना नहीं पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको दिखाता है रिबूट करने के लिए, तो आपको रिबूट कर देना होगा। ठीक है, तो और एक बार मैं कोशिश करके देखता हूँ, ये फेल बता रहा है, लेकिन आपके फ़ोन में नहीं होगा, मेरा कुछ प्रॉब्लम होगा शायद इसलिए नहीं हो रहा है अभी, तो आपके फ़ोन में वो नहीं होगा। तो दोस्तों और एक बात, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार जब ये सब प्रोसेस करने से पहले आपको करना क्या होगा, पहले आप तो अपना फ़ोन को बैकअप जो है बना लीजिए, यहाँ राइट साइड में जो टॉप पे दिया है बैकअप अपना बना लीजिए। ठीक है, बैकअप करने का भी बैकअप बना सकते हैं, अपने रोम का ही बैकअप बना सकते हैं, ताकि आगे कोई परेशानी हो तो आप उसको फिर से रिस्टोर कर सकें। और ये सबसे भी और एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, ये फ्लैशिंग करने से पहले और एक सिंपल ट्रिक अपनाइए आप, ताकि आपका फ़ोन जो है सेफ रहे। ठीक है, आप चले जाए अपने अबाउट फ़ोन में, ठीक है, अगर आप मेरा माइक्रोमैक्स है तो मैं मेरे हिसाब में बिल नंबर पे 7 बार टच करना होगा, ताकि हमारे डेवलपर ऑप्शन हमको मिल जाए। तो अगर आपका कोई और मोबाइल है तो आप भी ये कोशिश कर सकते हैं, अगर फिर भी काम नहीं कर रहा है तो आप किसी और, कैसे वो डेवलपर ऑप्शन खुलेगा वो आप खुद ही मैनुअली सर्च कीजिए। तो मैं बिल नंबर पर यहाँ पर, तो यहाँ पर देख रहे होंगे नो नीड यू आर ऑलरेडी ए डेवलपर बोल रहा है, तो मेरा पहले ही मैं कर चुका हूँ ये काम, तो डेवलपर दिखाया है, तो अब ये डेवलपर ऑप्शंस दिखा रहा है, ये वाला ऑप्शन आपके लिए खुल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ जो है OEM अनलॉकिंग को जो है पहले ऑफ होगा, उसको दोस्तों आप ऑन कर लीजिए, इसको ऑन कर लीजिए। तो ऑन करने के बाद आपका सिक्योरिटी मांगेगा, तो उसको उसके बाद इनेबल कर लीजिए, आप बैक चले जाइए। उसके बाद इस जो मैंने मेथड बताया, मैं आप लोगों को उस मेथड को फॉलो कीजिए और आपका फ़ोन जो है सक्सेसफुली TWRP रिकवरी कस्टम रिकवरी जो है फ्लैश हो जाएगा और आपके फ़ोन में अच्छी तरह से काम करेगा। अगर बाय चांस से किसी का अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से आपका फ़ोन जो है फ्लैशिंग नहीं हो पाया सक्सेसफुली, या आपका फ़ोन में कोई दिक्कत आ गया हो, तो प्लीज़ कमेंट करके नीचे बताएं, हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आपको हम ही देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।